गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम जो हैं नए टॉपिक कर रहे हैं और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम की यानी कि करिकुलम की हम जो है करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। जो हमने कल फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, फिफ्थ हमारी करेक्टरिस्टिक्स है पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्रवृत्तियों या पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। मीन्स करिकुलम रिफ्लेक्ट्स एजुकेशन। देखिए कहीं ना कहीं स्कूल के जो पाठ्यक्रम में केवल एक दृष्टि से हम उस शिक्षा प्रणाली को पूरी तस्वीर से देखते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम एक बहुत ही ब्रॉड स्तर है और ये हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को क्या करता है, प्रभावित करता है, रिफ्लेक्ट हम करता है। क्योंकि पाठ्यक्रम में श्रृंखलाबद्ध ज्ञान होता है, मल्टीपल लेवल की नॉलेज जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाई जाती है। साथ साथ विशेष रूप से पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर देखें, हम केवल और केवल जो है अध्ययन विषयों को ही नहीं पढ़ाते, साथ साथ जो है विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन हम बालकों को कराते हैं, जिसमें शिक्षण का स्तर, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियां, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक प्रोग्राम, साथ साथ स्कूल के जो है कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष से बाहर होने वाली पूरी गतिविधियां जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए जो है पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं शैक्षणिक प्रवृत्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम गतिशील है, करिकुलम इज डायनेमिक। देखिए एक अच्छा जो पाठ्यक्रम है वह गतिशील होता है, यानी कि उसके अंदर जो है कंटिन्यूटी, एक प्रोसेस चलता रहता है। यह जो है हर तरीके से अपने आप को जो है कंटिन्यू रखता है। साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है शिक्षक, संचालक और बच्चे पाठ्यक्रम बनाने की क्रियाओं में लगे रहते हैं। साथ साथ जो है समय के साथ साथ जो है कुछ आवश्यकताएं बदलती हैं और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम में भी कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हो जाता है और कुछ परिवर्तनों के साथ पाठ्यक्रम अपने आप को डायनेमिक प्रक्रिया में रखता है। पाठ्यक्रम लोगों के जीवन के साथ साथ जो है एक लोगों को नई दशा और दिशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बच्चे, पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में सहायक है। मींस करिकुलम हेल्प इन इन्वॉल्व ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। मींस देखिए पाठ्यक्रम बहुविध क्रियाओं का सम्मिश्रण है, यह सभी बिंदुओं पर विद्यार्थी के जीवन को क्या करता है, स्पर्श करता है। इस प्रकार एक संतुलित व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में ये कहीं ना कहीं सहायक भी है, क्योंकि विभिन्न क्रियाएं व्यक्ति के विकास और वृद्धि में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। पाठ्यक्रम द्वारा जीवन के सभी पहलुओं को क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है संपूर्ण विकास में क्या है, सहायक है। इसीलिए जो है पाठ्यक्रम को जो है एक अगर देखा जाए तो जो है करिकुलम हेल्प इन इन्वॉल्व ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, यानी कि एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, हम पाठ्यक्रम की करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पाठ्यक्रम जीवंत प्रक्रिया है, करिकुलम इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग। देखिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो आवश्यक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है उसका ढांचा। देखिए विषय वस्तु जो है अधिगम अनुभवों का जोड़ है और ढांचा एक रूप में हमें अधिगम अनुभवों को प्रबंध
करने में हमारी जो है क्या करता है, हेल्प करता है। पाठ्यक्रम एक जीवंत प्रक्रिया है, यह स्थिर दृष्टिकोणों से गतिशील दृष्टिकोणों की ओर अग्रसर होती है। इसके साथ साथ जीवन में यह व्यक्ति और वातावरण के बीच में एक संबंध स्थापित करते हुए जो है आगे जो है वो लेके जाती है। साथ साथ ये वातावरण के साथ इसमें बदलाव भी होता है और विकास और वृद्धि के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम की हमें आवश्यकता महसूस होती है। इसीलिए पाठ्यक्रम को गतिशील बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार पाठ्यक्रम व्यक्ति और वातावरण के अनुरूप जो है बदलता है और कहीं न कहीं ये जीवंत और नियंत्रण पर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बच्चे, समाज और स्कूल पाठ्यक्रम, मींस सोसाइटी एंड द स्कूल करिकुलम। देखिए पाठ्यक्रम समाज और स्कूल के साथ आपस में गहरा संबंध होता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी सारी क्रियाएं कहाँ करनी पड़ती हैं, समाज में करनी पड़ती हैं। और समाज जो है, स्कूल भी जो है सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है। और जो चीज़ें हम स्कूल से सीखते हैं कि हमें सामाजिक गतिविधियों में कैसे इन्वॉल्व होना है, समाज में हमें किस प्रकार अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करना है, समाज के साथ हमें कैसे डीलिंग रखनी है, कैसे हमारे विचार रहने चाहिए, ये सब बारीकियों का अध्ययन हम स्कूल में सीखते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं विकट से विकट परिस्थितियों में से कैसे जो है सामाजिक गतिविधियों में हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है और किस तरीके से उन विकट परिस्थितियों से बाहर आना है, ये सब जो है हमें कहीं ना कहीं शिक्षा से प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार जो है स्कूल और समाज का और पाठ्यक्रम का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। उसके बाद है पाठ्यक्रम संशोधन निरंतर क्रिया है, मींस करिकुलम इज रिविजन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए स्कूल में बच्चों के लिए पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण औजार है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को अगर हम तैयार करते हैं, हर तरीके से तैयार करते हैं, उसको एक सफल नागरिक बनाते हैं और एक जो है वो अपने विकास जीवन में जो है विकास प्राप्त करता है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उसके लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बच्चे, समय के अनुसार और आवश्यकता, बालकों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन और परिवर्तन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो नई नई चीज़ों की जानकारी हम बच्चों को नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमें पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम जो है करंट्स यानी कि जो चल रहा है वर्तमान समय में जो चल रहा है, और वर्तमान पे ही हमारा भविष्य टिका हुआ होता है, ताकि उन सब की बारीकियों की जानकारी हम पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को दे सके। तो इसीलिए हम पाठ्यक्रम के अंदर जो है समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं, ताकि बच्चा जो है नई चीज़ों की जानकारी हासिल कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और क्रांतिकारी परिवर्तन वो अपने अंदर लेके आ सके। साथ साथ जो है हम ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में संशोधन करना जो है वो समय की मांग भी है और आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थी की रुचि और अभिरुचि के अनुसार भी हम पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव देखते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही आवश्यक है पाठ्यक्रम की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम के बारे में हम यही कहेंगे, यदि हम पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव लेके आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाठ्यक्रम हमारा वो पहले वाला सही पाठ्यक्रम नहीं था। नहीं, वो पाठ्यक्रम भी सही था, लेकिन उस पाठ्यक्रम में वो चीज़ें हम साथ साथ रखते हुए और नई चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये जो है ज़रूरी है, आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस तरीके से परिवर्तन होता रहता है। अब हम पाठ्यक्रम और सिलेबस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चे, पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर रहता है। देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम,
यानी कि करिकुलम जिसको बोलते हैं, और सिलेबस को सिलेबस जो है बोला जाता है। देखिए सिलेबस कहीं ना कहीं एक विषय वस्तु ही होता है, ठीक है। देखिए करिकुलम पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, और इसके एवज में सिलेबस का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है बच्चे, सीमित होता है। इसके साथ साथ इस पाठ्यक्रम में बच्चों के जीवन के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें केवल जो है बालकों के केवल सभी पक्षों को नहीं, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद पाठ्यक्रम का जो स्वरूप वो व्यापक है, और सिलेबस का जो स्वरूप है वो केवल पुस्तकीय और मौखिक होता है, ठीक है बच्चे। पाठ्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल देता है, सिलेबस बच्चों के केवल मानसिक विकास पर अधिक बल देता है, ठीक है। उसके बाद यह पाठ्यक्रम बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है, सिलेबस ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। सिलेबस तो केवल पुस्तकीय ज्ञान बच्चों को देता है। पाठ्यक्रम रटने की जो प्रक्रिया है उसको बल नहीं देता है, बल्कि समझ की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम बल देता है। लेकिन सिलेबस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रट्टा लगाने के लिए बच्चों को क्या करता है बच्चे, प्रेरित करता है। तो इस प्रकार यदि हम उपरोक्त जो है अंतर डिफरेंस को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि पाठ्यक्रम और सिलेबस के मध्य व्यापक अंतर है, डिफरेंस है। जहाँ पाठ्यक्रम विस्तृत विशाल है वहीं सिलेबस का क्षेत्र क्या है बच्चे, सीमित है। संक्षेप में सिलेबस का निर्माण पाठ्यक्रम से ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इस टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे बच्चे। थैंक यू, धन्यवाद।